Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. तबरेज ने जूबी को तलाक दे दिए और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ, अब अल्लाह ताला ने तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर दी हैं। देख बेबे, तूने वैसे भी इतना माल इकट्ठा कर लिया है कि तू सारी जिंदगी बैठ के खा सकती है और कब्र में भी लेके चली जाइयो, बहुत पैसा है। तबरेज, मेरी तो कुछ दिन पहले ही गोत उतरी थी ना, हम सबको मारने का सोच भी कैसे सकती थी तबरेज? मुझे तो उसमें अपने बच्चे का अंत दिखाई देता था। आप कभी भी एक माँ के दुख को समझ ही नहीं सकते मिस्टर तबरेज फिरासत। कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको, नहीं माफ कर सकती, नहीं माफ करूंगी। आज जूबी नहीं है तो आप मेरे पास चले आए, यही बात है ना? नहीं उजालो, उजालो तुम ही मेरी पहली मोहब्बत थी और हमेशा मेरी आखिरी मोहब्बत तुम ही रहोगी। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, यानी सारी बातें भूल जाओ और घर चलो, खुदा के वास्ते मान जाओ जाला। नहीं माफ करूंगी तबरेज, मैं कभी नहीं जाऊंगी आपके साथ, नहीं माफ कर सकती आपको। जाला, हमसा के लिए मान जाओ, उसको माँ की जरूरत है। जाला, उस घर को तुम्हारी जरूरत है। जाला, मेरे लिए मान जाओ प्लीज। जाला कर, चलो चलो अपने घर वापस। जाला, वो घर तुम्हारे बगैर बहुत सुन है। सुजाला, सिद्ध नहीं करो ना, चल पड़ो। अल्लाह का शुक्र है शमा, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने और ताई ने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुम लोगों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत साथ दिया तुम दोनों ने मेरा। चुप, जाने दो, बहन हो तुम मेरी, पर वैसे भी हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल करता है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि तैमूर भाई और मुन्ना कैसे, सब ठीक है ना? मुन्ने के बारे में तो तुम पूछो ही नहीं, इतनी खर्ची कराते हैं उस तैमूर की, किसी ना किसी टॉय शॉप पे ले जाता है। और तुम कैसी हो? मैं भी बहुत खुश हूँ, वैसे थोड़ी बहुत जेब हल्की मैं भी करा देती हूँ तैमूर की। तुम्हारी बचपन की आदत है वैसे ही, बस कभी अपनी हुनरमंदी पे गरूर नहीं किया। अच्छा हुनरमंद, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाऊं, अच्छी सी बनाना। शमा के आई, आप तो मुझे भूल ही गई। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज शमा, इतने दिनों बाद आई थी, इतनी सारी बातें बता रही थी मुझे। उजाला, बस ऐसी हंसती मुस्कुराती रहा करो, बहुत प्यारी लगती है। और आप भी दुआ किया कर कि हमारे घर में अब कोई परेशानी ना आए, हम ऐसे ही हंसते रहे। आमीन। और आप भी मुझसे वादा करें कि आज के बाद कभी भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। वादा। सच बोल रही हो? बिल्कुल सच। तबरेज, क्या हुआ, सोना नहीं आज? उजाला, कभी कभार जिंदगी इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है कि इंसान को नींद भी नहीं आती। जूबी को लेकर टेंशन है ना? हाँ, तुम ठीक कह रही, मुझे यही टेंशन है कि कहीं मैंने जूबी के साथ कोई
ज्यादती तो नहीं करती? ज्यादती तो सबके साथ हुई है तबरेज, कहीं ना कहीं। अजाला आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? तबरेज मैं आपको दिल से माफ कर चुकी हूँ, और प्लीज अगर आप इसी तरह से परेशान रहे ना तो हम में से कोई सुकून से नहीं रह पाएगा। देखें तबरेज, जूबी अब हमारी जिंदगी से जा चुकी है, और जितना जल्दी हो सके आप इस बात को मान लें और भूल जाएं उसे। हाँ चाला, मुझे पता है कि जूबी चली गई है, लेकिन बस मुझे हमजा की फिक्र, वो बड़ा होके अपनी माँ के बारे में पूछेगा मुझसे और मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सकती। उजाला तुम्हें पता है एक ब्रोकन फैमिली चाइल्ड होना कितना मुश्किल है। मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड था, तुम्हें पता है मेरे स्कूल में सब बच्चे अपने बाप का जिक्र करते थे, और मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी शक्ल देखता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या बात करूं। उजाला मैंने बहुत सफर किया, लेकिन हमारे हमजा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसका फादर भी जिंदा है। और रही बात सगी माँ की, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे सगी माँ से ज्यादा प्यार करूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी उसका। देखें तबरेज, बाज वक़्त हमारे जिस्म का एक हिस्सा नासूर बन जाता है, जिसका जहर हमारे पूरे जिस्म में फैलने लगता है। आपने सही वक्त पर बिल्कुल सही फैसला किया, अच्छा किया आपने जो इस नासूर को काट के फेंक दिया। और देखें तबरेज, हमजा को तो मैं और आप मिलके इतना प्यार देंगे कि देखिएगा उसे कभी ये महसूस ही नहीं हो पाएगा कि मैं उसकी सगी माँ नहीं। बस यही तसल्ली हो जाना मुझे कि तुम हमेशा हमजा को प्यार दोगी, कभी ये महसूस ही नहीं होने दोगी कि तुम उसकी सगी माँ नहीं। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तो फिर क्यों परेशान हो रहा? चलें, चल के सोते। चलो मैं आ रहा। उजाला वो क्या हुआ है? काफी डर लग रही हो। पता नहीं तबरेज, तबीयत अजीब सी हो रही है, घबराहट हो रही है मुझे। तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मैं मेडिसिन लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। उजाला जिद मत करो, वैसे भी आजकल वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है। अच्छा एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, ठीक है? ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं चली जाऊंगी। अच्छा आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है, आप रेडी हो जाए जाके। वैसे हमजा को भी देख लेना, ठीक है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निम्रा, कैसी हैं आप? जी डॉक्टर, मैं आज विजिट करना चाह रही थी। ओके, मैं शाम तक आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच, लाफिस। उजाला मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मां बनने वाली हो। यकीन मानो, मेरे लिए इससे बड़ी खबर और कोई नहीं हो सकती। ठीक कह रही हो शमा, सब कुछ अचानक कैसे हो गया मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैं तुम्हें कहती थी ना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और देखो सब ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि तुमने तो मुझे यहाँ बुला के सरप्राइज दे दिया, तो प्रेस को बताया या नहीं? नहीं, उनको अभी तक नहीं बताया मैंने। तुम देखना, जब तबरेज भाई को पता चलेगा ना, वो बहुत खुश होंगे। तुम अभी फोन करो और अभी बताओ उन्हें। अभी नहीं, उनको आने तो दो, फेस टू फेस सरप्राइज दूंगी। जला ये बच्चा ना हमारी जिंदगियों में एक बार फिर से खुशियां ले आएगा। और कितना लकी है ना ये बेबी कि ये ऐसे वक्त में आ रहा है जिस वक्त में तुम्हारी सारी तकलीफें सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। याद करो वो जूबी का वक्त,
कितना बुरा वक्त था ना वो, और आज देखो तुम माँ बनने वाली हो, तबरेज भाई के साथ खुश हो, मैं खुश हूँ, जाला हम सब खुश हैं। ठीक कह रही हूँ, आज मुझे फिर से वो एहसास महसूस हो रहा है जो शमा उस हादसे के बाद खत्म हो गया था। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम लगता है मुझे। मैं बहुत खुश हूं। मैं भी। आप सच कह रही? हाँ भाई, अल्लाह ताला ने उजाला की गोद फिर हरी कर दी। अब ही शमा ने मुझे कॉल करके बताया। तो बहुत खुशी की बात है, तबरेज तो बहुत खुश होगा। खुशी की बात है, उजाला को देखो, पहले नहीं बताया, जब शमा वहाँ पहुंची तो बताया, और शमा ने जैसे ही मुझे बताया मुझे तो दिले सुकून हुआ कि शुक्र है हमारे खानदान पे भी अल्लाह ने रहमत की है। सही कह रही हूँ, अल्लाह ताला ने हमारे खानदान पे रहम कर दिया। आप देखें ना, आए दिन कोई बुरी खबर आती थी, कभी हमारे घर से, कभी चाचा के घर से, लेकिन अल्लाह ताला ने कितना रहम किया, और हम सब में से सबसे ज्यादा दुख उजाला ने देखे। हम आपको याद है, उजाला तबरेज से खुला ले रही थी, और आज इस खुशखबरी के बाद उजाला और तबरेज की मोहब्बत एक और मजबूत रिश्ते में बन गई। इंशाल्लाह, मियां बीवी का रिश्ता तो होता ही मोहब्बत का, और ये कायनात का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। अब उसको भी कितना सुकून हो गया होगा। अच्छा, मेरा फोन अंदर पड़ा है, मैं उजाला से बात करके आता हूँ, आपकी बात भी करवाता हूँ। सही बेटा, शुक्र सब अच्छा हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो यार तुम लोगों को, बहुत खुशी हुई सुन। ये तो बस अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली। इसे मैं सोचता हूँ कि उजाला के साथ पास में जो कुछ हुआ, किसी के साथ भी होता है ना, वो इंसान टूट जाता। लेकिन देखो, उसने इतनी हिम्मत दिखाई और अल्लाह ताला ने तुम दोनों को ये खुशी दी। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहो। आमीन। गुड। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हें कभी जुबी ने कांटेक्ट नहीं किया? हमजा उसका बेटा है, उसने कभी अपने बच्चे की आवाज़ सुनने के लिए तुम्हें कॉल नहीं की? माँ तो कभी वो थी ही नहीं, हमेशा साजिशों में लगी रहती थी। अच्छा हुआ कि चली गई वो, क्योंकि हमजा की तरबियत तो वो कर ही नहीं सकती थी। देखो कभी फ़ोन नहीं आया उसका, कभी हाल नहीं पूछा, ऐसी होती है सगी माँ। दूसरी तरफ उजाला को देखो, हमजा की सगी माँ ना होते हुए भी हमजा को कितना प्यार करती है, बिल्कुल सगी माँ जैसा उसकी तरबियत करती है, उसका ख्याल रखती है। सही कहा है किसी ने, माँ की तरबियत का असर इंसान पर सारी जिंदगी रहता है। एंड आई एम हैप्पी कि हमजा की परवरिश जूबी ने उजाला कर रही, आई एम श्योर वो उसकी बहुत अच्छी तरबियत करेगी। बस तुमने अब एक काम करना है, तुमने हमेशा उजाला को खुश रखना है। तैमूर तुम फिक्र ही ना करो, मैं उजाला को हद से ज़्यादा खुश रखूँगा। तुम्हें पता है उजाला की वजह से मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया, और वो एक गिल्ट के मेरी वजह से वो हादसा पेश आया था, उजाला माँ नहीं बन सकती, और आज अल्लाह ने ये खुशी देखे मुझसे वो एहसास निदामत भी दूर कर दिया। चलो अब तो सब ठीक हो गया ना। जाला, आज जो तुमने मुझे खुशी दी है ना, वो ज़िंदगी की वो खुशी है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा कैसे शुक्र अदा करूं। मेरा नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा तो मैं करता हूँ। तुम्हें पता है जाला, जब वो हादसा हुआ था तुम्हें गोली लगी थी, और तुम्हें पहली बार पता चला था कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुम कितना रोई थी, कितना लड़ी थी मुझसे, और मैं तुम्हें तसल्ली देता रहा था कि तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अब देखो सब ठीक हो गया ना? ठीक कह रहे हैं आप तबरेज, वरना मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उस वक्त मुझ पे क्या गुजरी थी जब मुझे पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। ये सोच सोच के मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद हो गया था कि मैं इस नेमत से जिंदगी भर महरूम रहूंगी। तबरेज़, मैं सोचती थी कि मैं
अब अपनी ममता किस पर नछावर करूंगी, क्या करूं? उजाला, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हें पता है हम दुआ करते हैं, कभी कभार कबूल होने में देर हो जाती है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई मसलहत होती है। अब देखो ना, अगर ये बच्चा पहले पैदा हो जाता तो कितनी परेशानियां थी इस घर में, लेकिन अब एक पुरसकून माहौल में पैदा होगा। ठीक कह रहे हैं आप, वरना तो घर में ऐसा माहौल पैदा हो गया था, हम दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठना भी गवारा नहीं कर रहे थे। जूबी ने हमारे दरमियान बहुत फासले पैदा कर दिए थे तब्रेज। अच्छा अब छोड़ो ना इन बातों को। उजाला, जो तुमने खुशी दी है ना मुझे आज, उसने हमारे प्यार को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। शुक्रिया उजाला। इतनी भी कोई हूर परी नहीं हूं मैं जो आप हमेशा मेरी तारीफें करते रहते। मेरी तो हूर भी तुम हो और परी भी तुम ही हो। बाय द वे मुबारक हो तुम्हें, तुमने दुबई में दूसरी कंपनी खोल ली है, बहुत जल्दी तरक्की कर ली तुमने। थैंक यू यार, बस अल्लाह मियां ने हाथ पकड़ा और यहाँ पहुंचा दिया।